न्यू अपडेट्स फॉर ये वन प्लस डिवाइस। अगर आपके पास वन प्लस डिवाइस है, वन प्लस डिवाइस यूज कर रहे हैं, तो आपको मालूम होगा कि इस चैनल पे मैं जितने सारे अपडेट जो आता है कंपनी की तरफ से, सारा डिटेल्स मैं इस वीडियो पे इस चैनल पे बता दे रहता हूँ। सो अगर आपके पास वन प्लस का डिवाइस है तो यहाँ पे टू अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा अलग अलग मॉडल पे। वन प्लस का कौन सा मॉडल है, क्या अपडेट है, क्या क्या चेंजेस रहने वाला है, पूरा डिटेल्स पे अगर आप जानना चाहते हैं वीडियो को इन तक आपको जरूर आते हैं। यहाँ पे बात करेंगे फर्स्ट अपडेट का। फर्स्ट अपडेट है ऑक्सीजन ओएस 14 वर्जन डिवाइस है वन प्लस ओपन। वन प्लस ओपन जो न्यू फोन जो रिलीज हुआ है उसी पे आपको देखने को मिल जाएगा ऑक्सीजन ओएस 14 वर्जन, जो एक दो मंथ पहले ही आ गया था लेकिन कुछ डिवाइस में अभी भी मिल रहा है। ओके, यहाँ पे चेंजेस का बात करेंगे। अगर आप जो है इस अपडेट को इंस्टॉल करते हैं तो चेंजेस आपके फोन पे क्या क्या देखने को मिलेगा, पूरा डिटेल्स पे इस वीडियो पे बात करने वाले हैं। फर्स्ट जो चेंजेस रहने वाला है, आप जो है गैलरी से कोई भी यहाँ पे मल्टीपल फोटो को आप एड कर रहे हैं, यानी एक से दो तीन फोटो को आप जो है कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता था कि फ्रेम जो आपको देखने को मिलता था, अब क्या होगा कि इसमें जो है फ्रेम जो है बॉर्डर टाइप का वो आपको शो अप नहीं होगा। नेक्स्ट है कि स्मार्ट साइड बार जो है आप यूज कर रहे हैं उसमें आपको पैटर्न टेल स्क्रीन शॉट का एक फीचर जो है, न्यू फीचर जो है आपको इसी अपडेट पे देखने को मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट चेंजेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, आपका जो वॉल्यूम बटन है, वॉल्यूम यहाँ पे जो है वॉल्यूम डाउन वाला बटन है, ओके, उस बटन से आप जो है फ्लैश लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं विदाउट डिस्प्ले पे लाइटिंग करे। ओके, यानी जो है आपका डिस्प्ले पे लाइटिंग नहीं होना चाहिए, डिस्प्ले का लाइटिंग ऑफ है और आप चाह रहे हैं कि डायरेक्ट जो मैं फ्लैश लाइट ऑन करूं, सो आप जो है वॉल्यूम जो है वॉल्यूम का ये डाउन वाला बटन से प्रेस करोगे, सो वहीं से आप जैसे प्रेस करोगे या फिर होल्ड करोगे सो इसमें क्या होगा कि फ्लैश लाइट वो ऑन हो जाएगा और वहीं से आप जो फ्लैश लाइट को ऑफ भी कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे एक न्यू फीचर्स है, ये सब के अलावा और भी काफी कुछ यहाँ पे न्यू फीचर जो है आपको इस ऑक्सीजन ओएस 14 वर्जन पे देखने को मिलेगा। सो इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप न्यू आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक जरूर कर लेना है, ताकि आपके वन प्लस के डिवाइस का हर एक अपडेट एंड हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको इस चैनल पे मिल जाए आसानी से, आप देख के सारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले सकते हैं। नेक्स्ट है कि आपका होम स्क्रीन पे जो एप्लीकेशन आपको देखने को मिल रहा है, अगर आप जो कोई ऐसा एप्लीकेशन आप सर्च कर रहे हैं जो आपके फोन पे है आपको नहीं मिल रहा है, तो सर्च बार जो एक आइकन जो फीचर जो आपको देखने को मिलेगा उस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे, फर्स्ट लेटर आप जैसे ही टाइप करोगे वो कैटेगरी से जितने सारे एप्लीकेशन है वो पूरा आपको शो ऑफ हो जाएगा, जो कि आसानी से वहां से आप पिक करके इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, पहले ये फीचर्स नहीं था, आपको पूरा नाम सर्च करना होता था तभी आपको मिलता था, लेकिन अब जो है फर्स्ट लेटर टाइप करोगे पूरा जो है उस लेटर से मिलता जुलता जितना सारा एप्लीकेशन है पूरा नाम आपको यहाँ पे पूरा एप्लीकेशन के साथ जो है आपको देखना। नेक्स्ट है कि आपका जो वॉल्यूम बटन जो आप प्रेस कर रहे हैं साइड में आपको जो है एक जो है स्लाइड करके मेन्यू बार जो हल्का सा देखने को मिल रहा है बटन पे, सो उसमें आपको न्यू जो है फीचर्स जो है आपको देखने को मिलेगा, यानी कुछ अलग तरीका का यहाँ पे फीचर जो है वो पहले जिस तरह से नॉर्मल देखने को मिलता था अब जो है वो नॉर्मल नहीं होगा, आपको यहाँ पे कुछ न्यू टाइप का यहाँ पे जो है डिजाइन वाला बार्स जो है देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो है फोन का सिस्टम स्टेबिलिटी को यहाँ पे इम्प्रूवमेंट किया गया है, अब जो है पहले से ज्यादा फोन जो है आपका फास्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट यहाँ पे चेंजेस का बात करें, फोन का जो सिक्योरिटी सिस्टम है उस चीज को काफी हद तक यहाँ पे इम्प्रूवमेंट किया गया है, और कोई और पर्सन जो है इसमें है को जो करने का चांस बन रहा है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी अपडेट भी आपको इसी अपडेट पे देखने। नेक्स्ट है कैमरा को लेकर, कैमरा का जो आप जैसे जूमिंग करते हैं जूमिंग करने के वक्त डिस्प्ले पे एक जो है अलग मेन्यू बार जो एक बटन जो आपको देखने को मिल रहा है। ओके, यानी जूमिंग करने का जो फीचर्स आपको देखने को मिल रहा है, आप जो है डिस्प्ले पे जैसे आप क्लिक करके जूम करते हैं सो उसमें आपको अलग जो है यहाँ पे टाइपिंग करने का जूमिंग जो है देखने को मिल जाएगा, यानी जो वहां से आप आसानी से स्विच कर सकते हैं। ओके, इस अपडेट को अगर आप इंस्टॉल करते हैं और इस फीचर्स को अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो जैसे कि डिस्प्ले से आप कोई भी जो है फोटो वीडियो सब लेते हैं उसे आप जो है डिस्प्ले पे लाके जूमिंग करते हैं, उस फीचर्स का यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट है कि अल्ट्रा मोड पे आप जो है यहाँ पे XPN मोड पे कैमरा का जो है आप यहाँ पे ऑन करके सेल्फी फोटोज आप ले सकते हैं। ओके, पहले ये अल्ट्रा जो है वाइट था लेकिन उसमें जो न्यू फीचर्स था ये आपको देखने को नहीं मिला था, लेकिन अब जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। लास्ट है कि आप जो है कोई फोटो यहाँ पे वीडियोस लेने के लिए आप जो जूमिंग करते हैं तो उसमें क्या होगा कि अलग टाइप का यहाँ पे आपको जो है वो जो व्हेल वाला चक्र जो है वो देखने को मिल जाएगा, एंड यहाँ से आप जो है फोटोज वीडियोज जो है आप ले सकते हैं, जो कि फोटो वीडियोज लेने के बाद जैसे आप कैप्चर कर लेते हैं उसके बाद जो है क्वालिटी जो है उसका इंक्रीज हो जाएगा। वन प्लस ओपन अगर आपके पास है तो उसमें आपको ये न्यू अपडेट ऑक्सीजन ओएस 14 वर्जन इंस्टॉल जरूर कर लेना है, इसमें आपको काफी कुछ न्यू फीचर जो है देखने को मिलेगा। ओके, सो अगर आपके पास है तो इंस्टॉल जरूर कर लेना, फोन के सेटिंग पे आना है, अबाउट पे आना है, वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा, बस वहीं से आपको इंस्टॉल। एंड नेक्स्ट अपडेट का अगर बात करें, यहाँ पे ऑक्सीजन ओएस 14 डिवाइस है वन प्लस नोड N30, वन प्लस नोड N30 अगर आपके पास है तो उसमें आपको ऑक्सीजन ओएस
14 वर्जन जो है मिला था उसी में आपको एक अपडेट और भी देखने को मिल जाएगा, जिसमें जो है आपका फोन का यहाँ पे सिक्योरिटी पेज को यहाँ पे अपडेट किया गया है। ये है मार्च अपडेट। ओके, यहाँ पे क्या होगा इसमें कि फोन का जो सिक्योरिटी सिस्टम है उस चीज को सिर्फ और सिर्फ इंप्रूवमेंट किया गया है, उसके अलावा कुछ और चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो गाइस, वन प्लस के ये टू डिवाइस में टू अपडेट जो है आपको देखने को मिलेगा। आपके पास वन प्लस का कौन सा मॉडल है, कौन सा अपडेट आपको अभी नहीं मिला है, कमेंट करके जरूर बताना है। चैनल को सब्सक्राइब आपको जरूर कर लेना है ताकि आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन अपकमिंग टाइम में इसी चैनल पे आसानी से मिल जाए।